ये तो टट्टी है। गजब बेइज्जती है। मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक्नोट्यूब यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार आज किस वाली वीडियो के अंदर मैं व्यू इट स्मार्ट वॉच के हर एक ऐप हर एक फीचर के बारे में बात करूंगा। बेसिकली ये वीडियो इसकी रिव्यू वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम लोग इसके हर एक फीचर और हर एक ऐप के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ गाइस बिल्ड क्वालिटी के भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं इसके जितने भी फीचर्स हैं जितने भी ऐप्स हैं उनके बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल क्वालिटी की, इसके ऊपर की जो बिल्ड क्वालिटी है उसकी। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि बाकी स्मार्ट वॉचेस की होती है। बस इसकी एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वो है इसके स्ट्रैप्स जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। लेकिन वहीं अगर बात करूँ A1, DZ09 या V8 तो उनके जो स्ट्रैप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है ना वो अच्छी होती है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसके जो स्ट्रैप्स हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो स्ट्रैप्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है। पीछे साइड में जो इसका बैक पैनल है यानी जो बैक कवर है वो गाइज नॉन रिमूवेबल है, तो इसके अंदर आप जो है सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड भी नहीं लगा पाओगे, ये एक बहुत बड़ी कमी है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं गाइज, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको दो क्लॉक फेसेस मिल जाएंगे, एक है एनालॉग और दूसरा है गाइज हमारा जो डिजिटल वाला क्लॉक फेस है वो। यहाँ पर जो मेन मेन्यू है उसके अंदर आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको तीन ऑप्शन गिवेन है। पहला ऑप्शन गाइज ऐप्स का है जिसके अंदर कि जा करके आप जितने भी ऐप्स हैं उनको देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है गाइज यहाँ पे साउंड का जिसके अंदर आप जा करके जो वॉच की साउंड है ना उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे साइड में तीन आपको ऑप्शंस मिलते हैं यानी बटन्स मिलते हैं जिसमें से पहला बटन ऐप्स का है, दूसरा बटन ऐप्स को स्विच करने का और तीसरा बटन गाइज बैक का है। तो इस तरीके से आपको तीन यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं और गाइज इसके वजह से इस वॉच की जो लुक है ना वो थोड़ी थोड़ी मोबाइल फ़ोन जैसी हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा ब्लूटूथ वाला जिसके अंदर आप जा करके जो डिवाइस है उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं ऐप्स में आ जाता हूँ। तो सबसे पहला ऐप था सेटिंग जिसके अंदर की गाइस सबसे पहला था क्विक रिस्पांस, उसके बाद है गाइस कॉमन सेटिंग जिसमें डेट एंड टाइम, लैंग्वेज और MISC सेटिंग यानी कि आपका ब्राइटनेस वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एनालॉग क्लॉक है और यहाँ पे आप जो है क्लॉक वगैरह भी सेट कर सकते हैं। और अभी बैक चल लेते हैं गाइस, तो यहाँ पर जो है मैं आपको एकदम ये शुरुआत से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको स्वाइप करना होता है, ऐप्स में आ जाते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है दूसरा है वो है सिक्योरिटी सेटिंग और जो आखिरी है गाइस वो है रिस्टोर सेटिंग। तो कुछ इस तरीके से इसका सेटिंग है। इसके बाद अगला है गाइज एंटी लॉस्ट जो कि गाइज जब आप इसको जो है स्मार्ट वॉच को जो है स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लेंगे तब ये जो है एंटी लॉस्ट फीचर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे अगला है पावर सेवर जिसके बाद जो है हमारा वो है रिंगटोन। रिंगटोन के अंदर गाइज आप प्रोफाइल सेट कर सकते हैं जिसमें जनरल, साइलेंट और जितने भी अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं वो सब आप सेट कर सकते हैं। अगला है गाइज यहाँ पे अलार्म जिसके अंदर जाके आप अलार्म लगा सकते हैं। फिर है गाइज कैलेंडर, उसके बाद है यहाँ पर गाइज जो हमारा पेडोमीटर होता है वो। तो यहाँ पे जो पेडोमीटर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि सभी स्मार्ट वॉचेस में होता है एकदम सेम वैसा ही पेडोमीटर इसके अंदर भी गिवन है जो कि गाइज टाइम के बढ़ने पे अपने आप जो है स्टेप्स को काउंट कर लेता है। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे 21 सेकंड में 27 स्टेप्स इसने काउंट किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अगर आप इसको राइट स्वाइप करते हैं तो काफ़ी सारी डिटेल्स ये दे देता है जैसे कि कैलोरीज कितनी बर्न की, फैट कितना बर्न हुआ, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, काफ़ी सारी फीचर्स बता देता है। अगला है गाइज यहाँ पे स्टॉप वॉच जिसके अंदर की गाइज एक बटन से आप इसको ऑन कर सकते हैं और दूसरे बटन से इसको रीसेट कर सकते हैं। साथ ही साथ पहले वाले बटन को डबल टैप करने पे आप जो है वॉच को यानी स्टॉप वॉच को ऑफ भी कर सकते हैं। अगला फीचर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ जो कि था गाइज ब्लूटूथ। अगला जो है गाइज डायलर है, लेकिन गाइज यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा इसके अंदर सिम कार्ड नहीं लगता है तो आप सिर्फ और सिर्फ BT डायलर यानी कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद ही डायल कर सकते हैं। फ़ोन बुक था, उसके बाद गाइज यहाँ पे मैसेजिंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ के जरिए वर्क करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और गाइज यहाँ पर जो है इस साइड चलते हैं तो यहाँ पर आपको कॉल्स का ऑप्शन मिल जाएगा जिसके अंदर जब भी आप इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल में आने वाले कॉल्स वगैरह आपको दिखा देगा। उसके बाद है BT म्यूजिक जिसके जरिए कि गाइज आप फोन के जितने भी गाने हैं उसको इस वॉच में भी सुन सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे नोटिफायर जो भी आपके मोबाइल फोन में नोटिफिकेशंस आने वाले हैं या फिर आए हुए हैं वो यहाँ पर आपको दे देगा। कैप्चर, यहाँ पर गाइज आप इसके थ्रू मोबाइल के कैमरे को ओपन भी कर सकते हैं और उसके थ्रू इमेजेस को भी खींच सकते हैं।
अगला यहाँ पे है गाइस सेडिमेंट्री अलार्म, जो कि पता नहीं क्यों क्वेश्चन मार्क बन रहा है और ये जो है ओपन नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है गाइस इस वॉच में, मतलब ये वॉच कतई एकदम टट्टी है ये वॉच, कसम बता रहा हूँ। अगर आपको लेना हो तो मत लेना ये वॉच, पहले ही बता रहा हूँ। और फर्स्ट वाली वीडियो में जो मैंने इस पर प्ले स्टोर लगाया था ना, वो इसीलिए लगाया था क्योंकि ये महा टट्टी वॉच है। वैसे तो आप लोग इसको देखने नहीं वाले जब तक प्ले स्टोर वगैरह क्लिकबेट वगैरह ना करो, तो इसीलिए लगा दिया था। और यहाँ पे जो कैलकुलेटर है ना, वो भी इसका अच्छे से वर्क कर रहा है। अगला यहाँ पे ड्रिंक वाटर, जो कि फिर से गाइस वैसे ही क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो पता नहीं कितनी महा टट्टी वॉच है गाइज, ये वॉच मत लीजिएगा, पहले बता रहा हूँ, पैसा वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अगला है स्लीप मॉनिटरिंग, आप देख ही पा रहे होंगे ये भी वैसे ही सेम जैसे, मतलब स्टार्टिंग में गुड बताएगा, फिर थोड़ी देर होने के बाद एवरेज, उसके बाद फिर से दोबारा गुड, ऐसे ही गाइज होता है। साथ ही साथ इस वॉच को जब आप मतलब ऐप्स स्वाइप करेंगे ना, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, कभी कभी ऐप्स ओपन हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ओवरऑल ये जो वॉच की स्क्रीन की सेंसिटिविटी है ना, वो भी मुझे काफ़ी घटिया लगी, ये वॉच ओवरऑल मुझे बहुत घटिया लगी। अगर आप लेना चाहते हैं ना तो मत लीजिएगा, मेरी तरफ से ओपिनियन ये है। तब भी अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले लेना, पैसे बर्बाद कर लेना, मुझे कुछ मत बोलना। बाद में ये कमेंट मत करना कि इस वॉच के बारे में मैंने वॉर्न नहीं किया, ये वॉच महाटट्टी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस वॉच को मत लेना। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर माय फ्रेंड्स। और हाँ, इस वॉच का कंपैरिजन भी लाऊंगा सभी वॉचेस के साथ, देखते हैं ये वॉच कितनी महाटट्टी है। तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय।